सुशांत सिंह को इस दुनिया को छोड़े हुए 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे। जहां उनके जाने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स को बड़ा झटका लगा, जिस वजह से उन्होंने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए CBI जांच की मांग भी की है, तो वहीं सुशांत के घर पर नेता और अभिनेता सुशांत के पिता से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं सुशांत के पिता से मिलने पहुंचे हैं अभिनेता नाना पाटेकर। दरअसल नाना शनिवार को मोकामा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के ट्रेनिंग सेंटर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। यहां नाना आर्मी की ड्रेस में भी नजर आए। वह मोकामा से लौटने के दौरान वो पटना के राजीव नगर स्थित सुशांत के घर पहुंचे। उन्होंने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, सुशांत के पिता से मिलकर उनका दुख बांटा और परिवार के लोगों से हमेशा उनके साथ खड़े रहने की अपील की। सुशांत के पिता से बात करते हुए नाना ने बताया कि उनकी व सुशांत की अधिक मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन वे उसके साथ एक बार जरूर काम करना चाहते थे। नाना ने कहा, सुशांत से मैं सिर्फ एक बार मिला, नमस्कार के सिवाय उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी 3 फिल्में देखी हैं, उससे पता चलता है वो किस तरह के इंसान होंगे। मैं इस बच्चे के साथ काम करूंगा, ऐसा मन में आया था। कुछ लोग बिना मिले अपने से लगते हैं, उनमें से एक था वो। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, भगवान हमेशा आपके साथ रहे। वहीं इससे पहले भी सुशांत के घर वालों से भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी पटना स्थित उनके घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुशांत के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुलाकात की थी। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सुशांत के केस के पीछे के राज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम सुशांत से जुड़े सभी फैक्ट्स को आपके सामने ला सकें और सुशांत सिंह को न्याय दिला सकें। धन्यवाद।